उजाला कहिया अवतरी? और हमको बहुत डर लगता है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी काजल के लिए मैं लाया हूँ पनीर और चॉकलेट। लो 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 चॉकलेट, तो चलिए चॉकलेट मानसी को देते हैं, बाकी पनीर आज बनेगा और हम खूब एक्साइटेड है खाने के लिए क्योंकि आज है शनिवार। तो गाइज मानसी अभी खा रही है चॉकलेट। अब बोलो क्या कह रही हो? 500 रुपये परसों मिला था उसका हिसाब आज तक मान। बनाओ का जल आज पनीर खाएंगे ठीक है? और पैसा जो है नहीं, अब क्या करे, जितना था उतना मिलाए। 60 रुपये बचा था, 70 रुपये पनीर है, क्या करे, 10 रुपये कैसे कैसे करके लाए। सब्जी बना रही है काजल पनीर की और मसाला पीस रहा हूँ मैं। पहले मिक्सी नहीं था तो काजल पीसती थी, अब मिक्सी आ गया तो मैं पीसता हूँ। यार उल्टा पड़ गया मेरे को। और देखिए इसमें प्याज डाल दिया हूँ, अभी प्याज को पेस्ट बनाएंगे। बाकी ये है लहसुन और टोमेटो, तो इसको भी पेस्ट बनाना है अभी। तो पहले चलिए प्याज को पीस के उसके बाद इसको पीसता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो फिर इधर मैं अभी पनीर डाल रही हूँ और ये वाला कढ़ाई में जल्दी तल जाता है, गर्म हो जाता है, तो पकड़ने का कढ़ाई में डाल नहीं जाता है। और इतना इधर इतना सा तल ली हूँ, आज बहुत थोड़ा सा पनीर आया है तो इतने में हम दोनों लोग खा ले रहे हैं। ज्यादा है इसको भी निकाल लेते हैं। और हमको बहुत डर लगता है दोस्तों इसे पीसने के, इसलिए मैं ये मानी पापा पीस रहे हैं। मानसी पनीर खा रही, देखो खालो खालो बेटा खालो खालो। अरे अरे ओ माय गॉड ओ माय गॉड। काजल अभी घर बात कर रही है मम्मी से। नम 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 नम। उजाला कहिया अवतरी? अच्छा कहिया हो, मतलब 27 तारीख एजा तो दीदी कहता है कि 27 तारीख है। तो गाइस मानसी अभी नानी से बात कर रही, देखो क्या दिखा रही उधर। हाँ खिला दो नानी जी को, खिला दो पनीर खिला दो। हाँ खा लो खा लो खा लो। खिला रही है मानसी। तो आओ तारी न घरे खिलाए। हाँ मानसी नानी जी के पास रहेंगी है ना। और गाइस आज हम जो वीडियो डाले थे ना कल जो आप लोग देखे थे, तो उसमें काफी सारा कमेंट आ रहा था कि आप लोग निकल गए घर, आज गाड़ी पकड़ोगे। तो ऐसा नहीं गाइस, हम ये बताए थे कि अभी हम पेमेंट मांग रहे हैं, पेमेंट जैसे ही मिल जाता है ना वैसे हम निकल जाएंगे ठीक है। तो पेमेंट के लिए रुके हुए, तो थोड़ा सा आप लोग का पीठे पर आड़ देता नहीं हमरा। बोली अच्छा तक रे आता नहीं हमरा पे कमेंट आ रहा वीडियो पर कि मिथुन जी आ रहे हैं। अभी नहीं, अभी पेमेंट के लिए रुके हुए हैं, पेमेंट मिल जाएगा तो कुछ काम हो जाएगा आके, है ना। 30,000 रुपए फंसा हुआ है इस यहाँ पे। तो फ्रेंड हमारा सब्जी बन चुका है, आप लोग बताना कमेंट में कैसा बना है। और आज हम तेल ज्यादा नहीं डाले हैं। और मानसी इधर पनीर खा रही है, मानसी पापा खाना खा रहे, खा के बताओ। केंग खानी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कुछ वो ना खाए नहीं दोस्तों, हम बताते हैं, हम बताते हैं खा के। मानसी बोर के खा रही है, खाओ खाओ पापा को दे। गुड मॉर्निंग, और ये है नेक्स्ट डे एंड काजल अभी सुबह सुबह नहा ली है और नहा के आतवार भूखी है। आतवार भूखा लड़ू सोमवार भूखो। तो गाइस बहुत जल्द शिवरात्रि आने वाला है, तो शिवरात्रि का पूजा करेंगे। मैं जब वहाँ था ना तो काजल के घर के पास ही शंकर भगवान का मंदिर था, तो मैं वहीं पे जाता था जल ढारने, ये भी वहीं पे आती थी जल ढारने। तो सब चलेंगे आपको गाँव में दिखाएंगे वैसे, है ना, कि शिव भगवान का मंदिर के पास से कितना दूर घर है, एकदम नजदीक में ही है। इसके अगर पीछे वाले दरवाजे से ये निकलती थी तो सामने ही दिखाई देता था, तो वहीं पूजा करता था, वहाँ मेला भी लगता है, जलेबी खरीदता था, खाता था, इसको नहीं देता था। ये मेरे जैसा ही, जैसा मैं कपड़ा पहन के जाता था ना तो देख लेती थी ये कैसा कपड़ा पहने है, वैसे ही सेम पहन लेती थी। हाँ अच्छा, एक बार हम हरिहर का कपड़ा पहन के आ रहे थे, कहीं हरिहर पहन लू
ना ना उजर पहन के आया था हरा पहन के आया था तो हरा पहन ली, फिर मैंने व्हाइट पहन के आया तो फिर व्हाइट पहन ली, एक दिन में दो बार चेंज किए थे। हम कोचिंग से आए थे दोस्तों तो उसको ड्रेस पहन के गए थे व्हाइट व्हाइट, फिर कोचिंग से आए तो ड्रेस पहने ब्लू कलर का, तो सेम मेरे जैसा ही कैसे हो गया दोनों भाई। मैं इसको देख मैंने देखा कि व्हाइट पहनी, चलो हटा व्हाइट में चेंज कर दिया, अब देखा कि मैंने हरा पहन के आया, मैं देख रहा हूँ अरे हरा पहन ली, हम देख के तो ना सहेली है ना कहत रही लो कि मैचिंग करता हां तो उतर के हो कॉपी करी। तो फाइनली वो दिन बहुत ही जल्द आने वाला है जब हम सब कुछ दिखाएंगे टोटल, हमारा लव स्टोरी कहाँ से शुरुआत हुआ था और कैसे हम लोग मतलब की सारी चीजें हमारे शुरू का जो सीन था वो सब कुछ दिखाएंगे आपको कहाँ से क्या हुआ था, ठीक है। और जाके सोच रहे हैं कि एक अपाची लेने के लिए कजल किन दिया, हम थोड़ी कमा रहे हैं कि हमसे बोल रहे तो एक मतलब किस्त पे अपाची निकालेंगे, क्योंकि मेरा ना बचपन से ही सपना था कि एक बाइक लूं, क्योंकि बचपन में तो खरीद नहीं पाया था, वैसे भैया का था वो चलाता था, लेकिन एक होता है ना कि अपने से खरीदो तो वो चीज अब आएगा। किन दिया कजल, अपना को खरीदे हमारा काय को। तो मेरा सपना है अब कि बाइक लूंगा और मानसी को काजल को बिठाऊंगा घुमाऊंगा, और ये मना कर रही है कि नहीं मैं बैठूंगी नहीं डर लगता है ना। हाँ तो बैठा के घुमाऊंगा, वो देखना सीन आप लोग बहुत ही मजा आएगा। कम मानसी किस्त पे निकलवाएंगे ज्यादा है ना। तो गाइस काजल कह रही है सब्जी लाने के लिए, और पता ना कि वो जो दो लड़की उस दिन आई थी ना तो उनके यहाँ सब्जी मिलता है, इधर ही रहती है तो लोग सब्जी भी बेचते हैं, तो चलिए उनसे काजल ने बात किया है उनके मम्मी से है ना, तो चलिए लेके आते हैं देखते हैं कहाँ मिलता है। और दोस्तों सब्जी लेने के लिए देखो नीचे जाना पड़ रहा है बेसमेंट में, ये है बेसमेंट, और बेसमेंट से जाकर फिर जीने चढ़ के जाएंगे ऊपर क्योंकि उधर से रास्ता बंद हो गया है। तो गाइस सब्जी लेके आ गए हम लोग, का जी अलकाल को लेके आए हम, अब मैं फोन किया था तो कौन उठाया था, फोन देते नहीं बताओ, फोन कर रहा हूँ सब्जी क्या क्या लूँ और मानसी फोन दे नहीं रहे आकर मेरे को करेगी हेलो ऐसे बोल रही है। और अभी यही ले आऊं, ठीक है फिलहाल मैं बता दिया करना उनको, पहुंचा दिया करेंगे है ना। कहा जन ईश्वर से ना कहा जन हमारा पता नहीं ना, शिमला में चलिए शाम को आ जाएगा, यही सब था ऐसे और भी कुछ लहसुन सब था बाबू में डलला पानी, हाँ तो दो चार को डलवा देनी है, तब फोन के उठाई तब ना। मानसी बेटा जी इधर आओ, इधर आओ पहले, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मारो मारो मानसी को मारो, अच्छा क्या तो इधर आओ, चलो दुकान पे, चलो दुकान पे कौन चलेगा दुकान पे, चलो आ जाओ दुकान पे, ये देखो ये देखो ये देखो ये दुकान पे जाने के लिए ये देखो, ओरी बफरे कहाँ जा रही हो, कहाँ नो 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 नहीं जाएंगे, थोड़ा कोहना है थोड़ा मुंह बनाइए देखें दुकान पे जाने के लिए, ओहो 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 जाओ माँ के पास जाओ। देखो मानसी को, मानसी इधर देखो, ये अब मैंने झूठ मूठ के बोल दिया दुकान पे जाने के लिए, अब ये देह छोड़ ही नहीं रही मेरा, इधर देखो बेटा मानसी उधर बाय कर रही है किसी को, भैया को बाय कर रही है, इधर देखो बेटा इधर, हाँ कहाँ चल रहे हम लोग घूमने जा रहे हैं, देखो ये अब शरीर छोड़ेगा नहीं मेरा। इसको एक बार बोल दो कि हाँ दुकान पे चलना है, भाई साहब सारा काम छोड़ के दौड़ेगी एकदम। तो गाइस अभी मानसी को जीतन के कमरे पे लाया था तो देखो कैसे मुंह बना रही है घर जाने के लिए, अब मानसी इधर देखना, देखो मुंह लटकाई है। क्यों मुंह लटकाई बेटा, अरे बोपरी 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 बोपरी। तो गाइस गर्मा गर्म पकौड़ी बन रहा है हमारे यहाँ, और वो देख सकते हैं वहाँ तल रही है पकौड़ी, आ जाओ मानसी बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो कैसे चिपक के आ रही है, लो 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 यहाँ रखवाएगी और यहीं से खाएगी, ये देखो ये डब्बा वब्बा क्या क्या रखे इस पे, कॉपी पेन, मानसी अभी गर्म है बेटा ना खाओ, ओ माई गॉड ओह हाँ हाँ देखो उसको ठंडा कर रही है, देखो कैसे क्या कर रही है बेटा, पानी चाहिए, अरे 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 कजल खाना लिया हुआ। तो गाइस अभी काजल साग धो रही है साग बनाने के लिए, और हम लोग सब लोग प्लान कर रहे हैं घर के लिए कुछ कुछ। अभी गाना बजा रहा था मैं होली का, डांस कर रहा था,
सोच रहे थे कि जाएंगे तो वहाँ पे छठ पूजा आएगा, छठ करेंगे तो कितना मजा आएगा, गाना सुनेंगे, है ना। ले आओ खाजल खाना, भूख लगा है। तो दोस्तों ये ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाया और इस ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले आप लोग अपने ख्याल रखिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।